हमने एक पिक्चर के ऊपर यानी एक पिक्चर बॉक्स बनाया था, उसके ऊपर कोई एक पिक्चर मुझे इंसर्ट करना हो, तो उसके लिए हमने काम किया था कि एक पिक्चर अगर इंसर्ट करनी हो तो किस तरह इंसर्ट कर। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बहुत सारे इमेजेस हैं, उन सारे इमेजेस को मुझे यूज करना है और उन सारे इमेजेस को वन बाय वन शो करवाना। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई गैलरी बनाना है, या तो जब भी यूजर इस गैलरी के ऊपर डबल क्लिक करेगा तो वो वन बाय वन किसी टाइम के साथ वो इमेजेस शो होते जाएंगे और मैं देख लूंगा, सही है। तो ये सारे काम भी आप कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल क्या होगा, सबसे पहला काम आपका ये होगा कि यहाँ पर एक इमेज लिस्ट हमें क्रिएट करना होगा। इमेज लिस्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहला काम टूल बॉक्स पे जाएंगे और यहाँ पर जाके हम लोग यूज करेंगे इमेज। इमेज लिस्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। देखिए जैसे ही मैंने इमेज लिस्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ पर कोई इमेज तो आया ही नहीं, ये आ गया बैकग्राउंड के ऊपर। यानी कि इमेज लिस्ट जो है वो फॉर्म के ऊपर कभी शो नहीं होता, ये बैकग्राउंड में बैठ के काम कर रहा होता। फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड में बैठ के मुझे इमेजेस देगा, उन इमेजेस को मैं किसी तरह शो करवा सकता हूँ। सो बैकग्राउंड जैसे इमेज लिस्ट को मैंने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और इस इमेज लिस्ट के ऊपर क्लिक करके इसके प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सबसे ऊपर इमेज का नाम, इमेज कौन से कलर डेप्थ और कुछ चीजें यहाँ पर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको नजर आ रही होंगी। मॉडिफायर कौन सा होगा, इमेज की साइज कौन सी होगी, साइज को चेंज कर सकते हैं आप, विड्थ और हाइट बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा साइज विड्थ भी 50 होना चाहिए और हाइट भी 50 होनी चाहिए। और इसके साथ साथ यहाँ पर इमेज का जो इमेज के अंदर इमेजेस के कलेक्शन आपको बताना है, यानी इमेजेस आपने यहाँ पर देने हैं जो आपके पास कलेक्शन पड़ी हुई है, वो जो इमेजेस जो आप यूज करना चाहते हैं इमेज लिस्ट के साथ। तो उसके लिए क्या करेंगे, इमेजेस के अंदर जो कलेक्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको इमेजेस ऐड करने हैं वन बाय वन या एक साथ ऐड करने हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ऐड पर क्लिक करूंगा। ऐड पर क्लिक करने के बाद जिस फोल्डर में इमेजेस है उस फोल्डर में जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास 1 2 3 4 इमेजेस हैं, इन चार इमेजेस को मैं इमेज लिस्ट के अंदर एड करना चाहता हूं, तो क्या करोगे, इन चारों को मैं एक साथ सेलेक्ट करूंगा और यहां पर जाके एड करूंगा, ओपन करूंगा। तो देखें यार वन बाय वन गूगल इमेजेस ऑफ ऑन, ये सारे वन बाय वन मेरे पास एड हो गए इसके। अब ये जो जीरो आ रहा है, वन आ रहा है, टू आ रहा है, थ्री आ रहा है, क्या मतलब है, ये इंडेक्सेस हैं। मैं कभी अगर मुझे ये वाला इमेज चाहिए तो मैं आप google.png के नाम से यूज नहीं कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, इमेज लिस्ट के अंदर जीरो इंडेक्स, इमेज लिस्ट के अंदर वन इंडेक्स, इमेज लिस्ट के अंदर टू इंडेक्स। तो ये सारी चीजें मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। अब मुझे सबसे पहले ये शो करवाना हो, ये इसको जीरो इंडेक्स पे लेके जाना हो, इस इमेज को वन इंडेक्स पे लेके जाना है, तो ये सारे चेंजेस आप यहाँ पे कर सकते हैं और ये इंडेक्सेस यही के यही रहेंगे, इंडेक्सेस चेंज नहीं हो। और मैं यहाँ पे जाके इसको ओके कर दे, हुआ कुछ भी नहीं, सिर्फ हुआ ये कि इस जो इमेज लिस्ट हमने क्रिएट किया था, इस इमेज लिस्ट के अंदर वो सारे इमेजेस जो हमें ऐड करने थे ऐड हो गए। अब मुझे ये काम करना है कि मुझे जितने इमेजेस ऐड हो गए उनको वन बाय वन जब ये रन हो जाएगा इमेज लिस्ट, तो मुझे वन बाय वन शो करवाना है यूजर को। तो आपको वन बाय वन शो करवाने के लिए जब भी इमेज को आपने शो कराना हो तो आपको पिक्चर बॉक्स की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम यहाँ पर एक पिक्चर बॉक्स ले लेंगे ताकि उन इमेजेस को शो करवाएं। पिक्चर बॉक्स यहाँ पर मैंने लिया, पिक्चर बॉक्स यहाँ पर जैसे ही मैंने लिया तो यहाँ पर पिक्चर बॉक्स में तो कुछ भी नहीं है, फिलहाल खाली है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इन इस इमेज लिस्ट में से वन एक एक करके पिक्चर बॉक्स में शो करवाना होगा। इसके लिए प्रोग्राम लिखना होगा और आप शो करवाना चाहते हैं हर एक सेकंड के बाद एक इमेज या दो सेकंड्स के बाद एक इमेज, तो उसके लिए क्या काम करेंगे, हम टाइमर का सहारा ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर टाइमर, एक टाइमर का मैं जो है कंट्रोल को इंसर्ट करेंगे और इसके प्रॉपर्टीज को थोड़ा चेंज करेंगे। यहाँ पर इनेबल फॉल्स हुआ यहाँ पर जाकर ट्रू करना होगा और हर 1000 मिलीसेकंड्स के बाद क्या हो जाना चाहिए, दूसरा इमेज शो होना चाहिए, यानी हर एक सेकंड बाद दूसरा इमेज शो होना चाहिए। ये चेंजेस हमने कर ली, करने के बाद अब हमें सिंपल क्या करना होगा कि जब भी इस टाइमर के ऊपर टिक होगा, यानी जब ये टाइमर स्टार्ट होगा, तो आपने इमेजेस दिखाना शुरू करना है। उसके लिए हम क्या काम करेंगे, इस टाइमर के टिक के इवेंट के ऊपर काम करेंगे। ये आ गया टाइमर का टिक। अब यहां पर क्या काम कराना है आपने, यहाँ पर जब भी टाइमर टिक होगा यहाँ पर आपने पिक्चर बॉक्स के अंदर, इस पिक्चर बॉक्स के अंदर आपने जो इमेज लिस्ट के अंदर इमेजेस हैं उन सबको वन बाय वन शो करवाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग जो पिक्चर बॉक्स है पिक्चर बॉक्स डॉट इमेज, इस पिक्चर बॉक्स के इमेज के अंदर क्या करना है, हमने जो इमेज लिस्ट के अंदर हमने बनाया था इमेज लिस्ट डॉट इमेजेस। अब मैंने क्या आप लोगों को कहा था कि इस इमेजेस, हर इमेज का डिफरेंट इंडेक्स होता था, मैंने आपको दिखाया था 0 1 2 3। अब यहाँ पर जो इंडेक्स आएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 1 करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 इंडेक्स के ऊपर जो इमेज लिस्ट का, जो इमेज लिस्ट के अंदर जो इंडेक्स 1 पर जो इमेज है उसको शो कराएगा यहाँ पर इमेज लिस्ट। यहाँ पर मैं 2 करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 करूंगा तो 0 इंडेक्स पर जो इमेज है वो शो कराएगा, 2 करूंगा तो 2 के ऊपर शो करवाएगा,
लेकिन मैं एक काम करने जा रहा हूँ, क्योंकि अब हमने टाइमर यूज किया है, तो जब भी टाइमर टिक हो जाएगा तो रैंडमली कोई भी इमेज आपने शो करा है, रैंडमली शो कराना है, कोई फिक्स नहीं करना है, आपने रैंडमली शो करवाना है, तो उसके लिए हमें एक चीज की जरूरत पड़ेगी, रैंडम क्लास को यूज करना होगा। रैंडम क्लास को कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जांपल मैंने रैंडम क्लास को यूज करना, तो मैं यहाँ पर रैंडम क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। आर वन के नाम से मैंने रैंडम क्लास क्रिएट किया, ये रैंडम क्लास है मैंने क्रिएट किया। अब इस रैंडम क्लास को हम क्या करेंगे, रैंडमली शो करवाएंगे, इस आर वन को यहाँ पर यूज कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूंगा यहाँ पर, आर वन डॉट नेक्स्ट, यानी दूसरा इमेज कब शो होगा, मैं कहूंगा 0 सेकंड्स के बाद, और कितने इमेजेस हैं आपने यहां पर लिखने, कितने इंडेक्सेस हैं, कितने दफा ये चेंज होगा, कितनी दफा ये रैंडम नंबर जनरेट करेगा, तो मैं कहूंगा 4, क्योंकि हमारे पास कितने इमेजेस थे, 4 इमेजेस थे। आप जितने इमेजेस होंगे आप यहां पर लिख सकते। अब मैं इसको जैसे ही रन करूंगा, देखेंगे आपको नजर आ रहा होगा, जैसे ही मैं इसको रन करूंगा जितने भी इमेजेस थे यहां पर ये 1 by 1 देखो सारे नजर आ रहे हैं। तो ये 1 सेकंड, हर 1 सेकंड बाद सारे इमेजेस 1 by 1 चेंज हो रहे हैं। इस तरह आप कोई इमेजेस चेंज लिस्ट बना सकते हैं। और इस यहाँ पर मुझे अगर इमेज का जो साइज है उसको बढ़ाना हो तो क्या करेंगे, इमेज के साइज मोड पे जाएंगे हम लोग, साइज मोड को चेंज कर सकते हैं हम लोग, यहाँ सेंटर इमेज है इसको जूम कर देंगे हम लोग, तो देखो क्या होता है, हो सकता है ये फिर आपको थोड़ा जूम होकर नजर आ जाए, देखो जूम होकर नजर आ जाए। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, कोई एक इमेज लिस्ट को यूज करके मल्टीपल इमेजेस को आप पिक्चर बॉक्स के अंदर शो करवा, यानी हमने क्या किया यहाँ पर इमेज बॉक्स भी यूज किया, इमेज लिस्ट भी यूज किया, और टाइमर भी जो हमने पढ़े थे वो सारे एक साथ। इस वीडियो को यहीं पर एंड कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक और कंट्रोल के ऊपर डिस्कस करेंगे, वो कंट्रोल है हमारा वेब ब्राउजर।